दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आप यहाँ पे जो है ऑनलाइन प्रोडक्ट का बिल किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, किसी भी एक आईडी को आपने यहाँ पर ओपन करना है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपको बीच में जैसे प्रॉब्लम आती है तो कोई बात नहीं, आपने दोबारा लॉगिन करना है। दोबारा लॉगिन करने के बाद आपने सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन में आपने एक आईडी तुरंत यहाँ पर ओपन कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, सबमिट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा दोस्तों, और जैसे ही ये ओपन हो जाता है, आपने ये तीन बार आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर आप देखिए सीधे आपने जाना है ऑर्डर फॉर्म। यहाँ पर अगर आप नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा तो ऑर्डर फॉर्म पे आपने क्या करना है, इसको दबाना है ऑर्डर फॉर्म को। जैसे ही आप यहाँ पर ऑर्डर फॉर्म ओपन करते हैं तो यहाँ पर न्यू ऑर्डर फिर से एक फॉर्म आता है, तो उस न्यू ऑर्डर फॉर्म पे आपने क्या करना है, इसको दबाना है। और जैसे आप दबाते हैं यहाँ पर आपका ऑर्डर फॉर्म ओपन हो जाता है। तो ऑर्डर करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि सेम एस प्रोफाइल एड्रेस ही आपने डालना है। थोड़ा सा समय लेंगे, ऑटोमेटिक वहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है, और पिन कोड डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर देना है मेन एडमिन। मेन एडमिन जैसे ही ये होता है तो उसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने एक SAO टीम यानी सेल जो आपका ग्रुप है वो कौन सा लेंगे, कोई भी एक ले लीजिए, SAO या SGO। मैंने SAO ले लिया है। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, तो चलिए मैं एक छोटा सा प्रोडक्ट यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर जो भी आपको चाहिए आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं और यहाँ पर आपके पूरे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी आपने लिखना है। क्वांटिटी लिखने के बाद यहाँ पर क्या है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ये आपका प्रोडक्ट जो है नीचे आ चुका है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मिल चुका है। कि जैसे ही आपने यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, दूसरा प्रोडक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट करके उसके बाद आपने क्या करना है, सेम उसकी यहाँ पर क्वांटिटी भरनी है। क्वांटिटी पे सिलेक्ट करिए और उसके बाद आपने उसको क्या कर देना, ऐड करके ओके करना है। तो ये भी आपका प्रोडक्ट जो है नीचे ऐड हो जाएगा। और इस तरीके से आप क्या है यहाँ पर और भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के साथ आपने जो है लास्ट में इसका बिल आप यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए मैं अभी कुछ प्रोडक्ट और सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी भर दी है और ऐड कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा आपने वेट करना है जब तक वो ऑटोमेटिकली नीचे ऐड नहीं होता है प्रोडक्ट, तब तक आपने उस पर छिड़खानी नहीं करनी है, उसको इधर उधर हिलाना नहीं है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे मान के चलिए मैंने अभी ब्रेन डॉग यहाँ पे डाला है, मैं इसमें क्वांटिटी डाल रहा हूँ और ऐड कर दिया मैंने। ऐड करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करते ही जैसे ही ये हल्का सा मतलब जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, आपको अलग सी स्लाइड दिखेगी, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें अब आप देख पा रहे होंगे मैंने जो है स्क्रीन रोटेशन ऑन कर दी है, और स्क्रीन को मैंने इसको क्या कर दिया है, इस तरफ से घुमा दिया है ताकि इसमें पूरे प्रोडक्ट आपके आ जाएं। और जैसे ही पूरे प्रोडक्ट आ जाते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और इस स्क्रीनशॉट को आप जो है व्हाट्सएप के ज़रिए किसी को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।